आइए प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, और उससे आप SCF कैसे फाइंड कर सकते हो, वो सब चीज़ें। और उस पर कुछ बेस्ड थ्योरम थे जो मैंने आपको बताए थे, उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है SCF फाइंड करने के यूक्लिड डिवीजन लेमा से, उसको आप मैक्सिमम आपके बुक में जो दिए गए हैं उसको आप मैक्सिमम लगाने का प्रयास कीजिए। अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो देखिए, कहने का मतलब इसका सीधा है कि सभी कंपोजिट नंबर किस रूप में एक्सप्रेस्ड होते हैं, अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, अपने प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं। कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए, जैसे यहाँ पे 12 दे रखा है, तो 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और ये मैंने आपको बता रखा है कि प्राइम नंबर क्या होगा और कंपोजिट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है हमारा किस रूप में एक्सप्रेस्ड हुआ है, किस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। देख लीजिए, 12 का जो प्राइम्स हैं, 12 के उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 क्या आएगा, 12 आएगा। उसी तरह 105 का आप देख सकते हो, 3 × 5 × 7 इनका भी मल्टी, आपने प्रोडक्ट निकाला 105 आएगा। इसी तरह 2 × 2 × 3 × 3 इनका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 36। तो देखिए, अब इस पर प्रॉब्लम आपको कैसे मिलेगी, प्रॉब्लम इस पर किस तरीके से मिलेगी। अब जैसे यही वैल्यू लिख रखा है, 3 × 5 × 7 हमने इसी में लिख लिया, प्लस 14, तो बताइए क्या ये कंपोजिट नंबर है, या इसी में से हमने इस वाली वैल्यू में से माइनस कर दिया 26, बताइए क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से। अब ये वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप पहले क्या करोगे, इसको निकाल लोगे। इसको निकालने के बाद उसमें 14 ऐड कर लिया, ऐड करके आप देख सकते हो क्या वो कंपोजिट नंबर आएगा कि नहीं आएगा, या क्या देखोगे आप इसमें से जो वैल्यू कॉमन है यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको सॉल्व करके उनका प्रोडक्ट देख लीजिए, क्या कंपोजिट नंबर आएगा कि नहीं। तो देखिए, अब इस पर बेस्ट प्रॉब्लम हम कुछ लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बोल रखा है। सीधी सी बात, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो अपने प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड होंगे, ठीक है। देखिए आगे इस पर प्रॉब्लम, देखिए इस पे बेस्ट प्रॉब्लम, जिसे मैंने लिख दिया 5 × 11 × 13 + 13। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ से 13 ये प्लस दे रखा है और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्लस 13, और इसमें भी वैल्यू देखिए 13, दोनों में वैल्यू क्या हो गई, ये कॉमन हो गई। तो यहाँ से बचा क्या, 5 × 11 + 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 13। इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, या वैल्यू कॉमन हुई तो वही चीज़ होती है, 13 × 5 × 11 कितना आ जाएगा, 55 + 1, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 13 × 56। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा देख के बता सकते हो, 56 और 13 ये क्या हो गए, आपको दो नंबर मिल गए, दो नंबर्स के प्रोडक्ट मिल गया। 56 को भी आप तोड़ सकते हो, 56 का क्या कर सकते हो, इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में आप तोड़ सकते हो। तो 56 को करने के लिए क्या करेंगे, 2 × 28 लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो 28 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 14 लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो 2 × 14 को आप लिख सकते हो 2 × 7। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिया, क्योंकि 56 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हमसे ये वैल्यू पूछ रखा था, क्या ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो आप यहाँ से इसको
आप इस तरह से एक्सप्रेस कर लीजिए। यहाँ से 13 हमने कॉमन कर लिया, करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हैं। अब ये नंबर आप कंपोजिट दिख रहा है, तो आपने अभी पीछे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा कि जो कंपोजिट है वो अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो नंबर आया ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरीके से आप देख के बता सकते हो कि कौन सा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, वैल्यू दे रखी है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। देखिए हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 लिख दिया। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? तो अब देखते हैं वही चीज़, सेम चीज़, ये वैल्यू प्लस है, बाकी सबका ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ से आप 5 और ये 5 दोनों में कॉमन हो गया, हमने कॉमन कर लिया। उसके बाद वैल्यू जो बचती है 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हो इसको, 5 × ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 4 = 3 × 2 = 6 × 6 = 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते हो, 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 = 24। देख लीजिए यहाँ से 36 × 4 करते हैं, 6 × 4 = 24, 3 × 4 = 12। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 114, 4 + 1 ये वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा, 145। तो 145 क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है ये कंपोजिट नंबर होगा और ये इनके प्रोडक्ट हैं। तो आप इसको भी तोड़ के किस रूप में तोड़ सकते हो, उसको प्राइम के, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या होगा, पूरा आपको कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख के बता सकते हो कौन सी वैल्यू कंपोजिट नंबर की होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। बोल रखा है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n, जहाँ पे n एलिमेंट कैपिटल n का दे रखा है, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो आप समझिएगा इसको, देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है, बोल रखा है सो दैट एनी नंबर 4n, और जहां पे दे रखा है n जो है कैपिटल n का एक एलिमेंट है। तो आपको बता रखा है हमने कैपिटल n क्या होता है, कैपिटल n नेचुरल नंबर होता है, और ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। यानी मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब ये जो वैल्यू मिल रखी है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। प्रॉब्लम में बोल रखा है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, एलिमेंट n का है, फिर आगे बोल रखा है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 4n क्या होगा, ये कभी भी कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये क्या होगा, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो देखिए अब लास्ट डिजिट 0 कब हो सकते हैं, जब इसके प्राइम फैक्टर्स में वैल्यू कौन कौन सी आए, 2i और 5i। ठीक है, जो इसके प्राइम प्रोडक्ट्स आप निकाल ले उसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा मिले, 2 और 5 मिले। तो ये वैल्यू क्या आनी है, सॉरी इसका एंड जो आना है या उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो 4n में क्या है, 5 है आपका, 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो आप जाहिर सी बात सीधा से कह सकते हो क्या होगा, इसमें वैल्यू
जीरो नहीं आएगी। उसी तरीके से आप कह सकते हो सिक्स के पावर एन, इसका भी फैक्टर देखिए इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए, टू लिख लिया हमने, लिख लिया टू के पावर टू एन, इसको आप कर सकते हो फोर एन को आप इस तरीके से लिख सकते हो फोर एन, फिर यहाँ से इसको आप लिख सकते हो टू इंटू टू पावर एन, आप इसको लिख सकते हो टू के पावर टू पावर एन, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, टू के पावर वैल्यू क्या आ गई टू एन आ गई, इसमें आपको कहीं फाइव मिला वैल्यू, कहीं फाइव नहीं मिली आपको, तो वैल्यू जब फाइव मिली ही नहीं, इसका जो फैक्टर हमने किया टू इंटू टू जो फोर का फैक्टर किया, इसमें आपको कहीं फाइव नहीं मिला, तो वैल्यू क्या आएगी जीरो नहीं आएगा। उसी तरह हमने बोल रखा है सिक्स के पावर एन, सिक्स के पावर एन को आप लिख सकते हो टू मल्टीप्लाइड थ्री पावर एन, आप इसका भी फैक्टर किया, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो टू के पावर एन इंटू थ्री के पावर एन, इसमें भी आपने जो फैक्टर किया इसमें आपको कहीं फाइव मिला वैल्यू, कहीं फाइव नहीं मिली, तो आप सीधा लिख दोगे इस तरीके से, आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसमें लिख दीजिए कि हमको कहीं भी फाइव नहीं मिला इसमें, ठीक है। टू और फाइव जहाँ पे मिलेंगे, टू तो मिला है बट फाइव नहीं मिला है, तो इसलिए इसका जो लास्ट डिजिट क्या होगा जीरो नहीं होगा। तो अब जिस तरीके से आप आगे जाओगे तो इस कंपटीशन में बहुत सवाल इस पर पूछी जाती हैं कि बताइए ये जो वैल्यू हमने लिख दी, वैल्यू हमने लिख दी टू के पावर सिक्स इस तरीके से, इसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, फोर के पावर 124 बताइए जीरो होगा, तो इस तरीके से वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो आपने पढ़ लिया फोर के पावर एन लिखा होगा उसमें जीरो नहीं मिलेगा, सिक्स के पावर एन लिखा होगा उसमें जीरो नहीं मिलेगी वैल्यूज, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं, अब इसी से क्या है आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इससे आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हो। अब हमने आपको बोल दिया कि 126 और 156 दो वैल्यूज दे दी थी, 126 एंड 156, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ये जो वैल्यू दे रखी है उसका आप क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालिए, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, या एलसीएम निकालना आपने पढ़ रखा है जिस तरीके से, या फैक्टर करना आप जानते हो, तो सबसे पहले टू से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व 63, फिर वैल्यू देखिए 63 किसी से डिवाइड होगा, टू से तो हो गया, थ्री से होगा क्योंकि सिक्स थ्री को ऐड किया 9, तो थ्री से आप कर सकते हो, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, फिर थ्री से होगा 7, या देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, अगर पहले टू से डिवाइड कीजिए जैसे यहाँ पे किया, वो आपको समझाने के लिए हमने देखा, टू से डिवाइड किया क्या आया 63 आया, ठीक है। अब देखिए 63 टू से डिवाइड होगा नहीं, टू से कब कब डिवाइड हो, जब उसके लास्ट डिजिट में क्या हो, जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो और एट हो, तब वो क्या होगा टू से डिवाइड होगा। अब टू से डिवाइड नहीं होता तो फिर किससे हम देखते हैं, थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो थ्री से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, ये जो डिजिट लिखे गए हैं जितने भी उसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद देखिए वो थ्री के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो इसको हमने ऐड कर लिया, सिक्स और थ्री को ऐड किया नहीं, वो थ्री के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थ्री से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, फिर 21, ये थ्री के टेबल में जाहिर सी बात आता है, आप देख के बता सकते हो, तो ये थ्री और 7, तो इसके फैक्टर कौन कौन सा आया, टू आया, थ्री आया, थ्री आया और 7, इसका जो फैक्टर आया क्या क्या आया, टू आया, थ्री आया, थ्री और 7। अब उसी तरीके से आगे चलते हैं 156 का फैक्टर कर लेते हैं, 156 का तो आप लिख सकते हो इस तरीके से 156, तो चलिए इसको डिवाइड ना करके इस तरीके से तोड़ते हैं, इस चार्ट के रूप में तोड़ते हैं, तो पहली चीज़ देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, तो हमने इस तरफ 2 लिख लिया, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी गया 16, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर इस तरीके से आगे चलते हैं, फिर देखते हैं ये भी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, तो फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 18, 39, अब 39 किससे, 9 से होगा, पहले देख लेते हैं 9 और 3
कितना हो जाएगा 12 पे 3 से होगा, तो यहाँ से 3 से आपने डिवाइड किया तो आपने टेबल 13 का पढ़ रखा है, 13 3 39। तो अब देखिए इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 2 3 और 13। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, 2 2 3 13। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए कभी कभी होता है क्या है, एक छोटी वैल्यू भी कॉमन होती है, एक उससे बड़ी वैल्यू भी कॉमन होती है, तो एचसीएफ में वही लिखा जाता है जो सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यूज कॉमन हो सके, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें अगर इसी में हम मैच करते हैं तो देखिए 2 3, अब देखिए 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 भी कॉमन, तो बस 2 आपका इसका एचसीएफ नहीं होगा, 2 और 3 को मिला दीजिए, 2 और 3 6 6 इसका एचसीएफ होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 2 इसका एचसीएफ है और 3 एचसीएफ है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक गलतियाँ होती हैं बच्चों से। जैसे देखिए इसमें 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा, तो एचसीएफ इसका 6 होगा, ना कि आप कहिएगा 2 है और 3 है, जैसे बता दिया जाता है नॉर्मली कि जो इसमें कॉमन है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली दिमाग आप चला रहे हो तो उसमें देख ले तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, या कभी कभी दिमाग काम कर दिया 3 से तुरंत हो रहा है तो हमने इसका लिख दिया एचसीएफ 3 है, नहीं बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कॉमन हो सकती है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी कॉमन हो सकती है, 6 हो सकती है, 1 2 3 1 2 और 3। तो देखिए 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों में कॉमन और वैल्यू कोई मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 6। अब एलसीएम के समय चलते हैं, जो वैल्यू कॉमन है उसको आप एक बार लिखोगे, जैसे 2 और 3 कॉमन है, इनको बस एक बार लिख लिया, अब इसको छोड़ने के बाद जो वैल्यू बच रही है इसमें कौन सी बच रही है, 3 और 7, और इसमें कौन सी बच रही है, 2 और 13, ये पूरी वैल्यू लिख ली, तब ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। एलसीएम में क्या करोगे, जो वैल्यू कॉमन है उसको आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों में जितनी वैल्यूज मिलती हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए, और एचसीएफ में क्या करोगे, जो बस जो वैल्यूज दोनों में सेम दिख रहे हैं उसको पूरा आप हटा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनसे भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हो। पीछे इंग्लिश डिवीजन लेमा से भी आपने एचसीएफ निकालना पड़ा, फैक्टराइजेशन से भी आपने, अब जैसे आप बोलेगा जिस तरीके से प्रॉब्लम में आपको बोलो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अगर बोलेगा कि किससे आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, इंग्लिश डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो पीछे जो मैंने प्रोसेस बताया उससे आप करिएगा, ठीक है। अगर आपको बोले कि फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, तो अब आप इस तरीके से इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करोगे, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।